हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द क्लास। कक्षा 10 विज्ञान साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सबका वेलकम करता हूं ज्ञानदीप के सेशन में। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी पिछली क्लासेस में जो भी बातें हमने कवर अप करी हैं उनसे आगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में देखा, हम लोग चैप्टर 1 आपकी बुक के साइंस के चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें हम लोग ये समझ चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखा जाता है। और रिसेंटली अपनी पिछली कक्षा में हमने ये देखा था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार किया जाता है। आज की क्लास में हम एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं और फिर हम लोग एडवांस करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में, यानी टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स, आप सब रेडी हो जाइए। और इसके अलावा मैंने आपको इस चैप्टर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताना चाहता हूँ कि जितनी भी अभिक्रियाएं इस चैप्टर में आने वाली हैं, जितनी भी रिएक्शंस इस चैप्टर में आने वाली है, सबको आपको याद रखना है और सबको आपको लर्न रखना है, एक अलग जगह इनको नोट करते जाइए, क्योंकि ये सारी रिएक्शंस जो हैं, इतनी ही रिएक्शंस आपके पास केमिस्ट्री में इस बार रहने वाली है। केमिस्ट्री में आपके पास जो ज्यादातर रिएक्शंस होंगी वो चैप्टर नंबर 1 से संबंधित होंगी, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 की जितनी भी अभिक्रियाएं हैं उनको याद कर लीजिए, उनको एक अलग कॉपी पर लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास को करते हैं हम स्टार्ट, और ज्यादा जानकारी के लिए हम लोग चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। अपनी पिछली क्लास में हमने स्टूडेंट्स क्या क्या चीजें डिस्कस करी थी, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं आपका, ठीक है। हमने रासायनिक समीकरण संतुलित करना सीखा था। रासायनिक समीकरण संतुलित करने में जो नंबर वन एग्जाम्पल हमने लिया था वो मैग्नीशियम और मैग्नीशियम का दहन का था, जिसमें हमने एक संतुलित रासायनिक समीकरण उसकी लिखी थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने कॉपर का दहन देखा था, कॉपर को किस प्रकार से जलाया गया और उसकी बैलेंस्ड एक केमिकल इक्वेशन लिखी थी। और तीसरा एग्जाम्पल हमने जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल का रिएक्शन का देखा था, और उसकी रिएक्शन हमने देखी थी कि वो ऑलरेडी बैलेंस्ड थी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इतनी सारी चीजें हमने अब तक कवर कर ली है। एक एग्जाम्पल मैं और आपके सामने ले रहा हूँ आज क्लास को स्टार्ट करने के लिए, देखने के लिए कि आपने घर में इसकी कितनी प्रैक्टिस करी है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जो है आगे चलते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 4, वो है Fe+H2O gives Fe3O4+H2। ये हमारे पास समीकरण है, ठीक है। Fe+H2O gives Fe3O4+H2। ये एक समीकरण है बच्चों, ये एक अभिक्रिया है जो कि लोहे की पानी के साथ अभिक्रिया हो रही है, लोहे की नमी के साथ अभिक्रिया हो रही है। तो इसको आप आगे भी पढ़ेंगे, अभी हम फिलहाल इनके नाम नहीं लिखते हैं और इनको सीधा सीधा समीकरण संतुलित करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं थोड़ा साइज छोटा और इसको रख लेते हैं हम साइड पर, और यहाँ बीच में हम डेली की तरह एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि जगह की ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। और अब हम लोग सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। आप सब लोग को अगर प्रैक्टिस होगी, अगर आपने घर में जाकर किया होगा या फिर आपको याद होगा, तो आप लोग को पता होगा कि अब मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप सब भी मेरे साथ साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभिकारक और उत्पाद लिखने के बाद मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ और एक लाइन ऐसे खींच देता हूँ, एक टेबल फॉर्म में इसको बिल्ड कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं अभिकारक में उपस्थित तत्व लिखता हूँ। तो अभिकारक में मुझे आयरन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है और ऑक्सीजन दिख रहा है, ठीक है। तो आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो जो चीज यहाँ होगी वही यहाँ भी होगी, आयरन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है। तो उत्पाद में भी मुझे आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिखेगा, ठीक है। ये चीज हो गई हमारी क्लियर, ठीक। नेक्स्ट संख्या, तो आयरन कितना है हमारे पास, आयरन हमारे पास अकेला है, मतलब 1 अभिकारक में सिर्फ एक आयरन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। और ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, ऑक्सीजन अकेला दिख रहा है 1। ऐसे ही उत्पाद में बात करूं तो उत्पाद में मुझे 3 आयरन दिख रहे हैं, ऑक्सीजन मुझे 4 दिख रहे हैं और हाइड्रोजन मुझे 2 दिख रहे हैं, ठीक है। तो हमारे 2 स्टेप्स हो गए जो हम लोग काम करते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है, अगर आप इसकी 4-5 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट काम देखेंगे कि कौन कौन गड़बड़ है। आयरन यहाँ पर 1 है, 3 गड़बड़, हाइड्रोजन 2 ओके, ऑक्सीजन 1 4 गड़बड़, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, जो ज्यादा खराब है,
यानी कि ऑक्सीजन देखो 1 है और 4 है ना, तो इसको पहले संतुलित करने की कोशिश करते हैं। या फिर आप ये भी देख लीजिए कि आयरन कहाँ गड़बड़ है, अभिकारक में गड़बड़ है। अभिकारक में तो अकेला है, अकेले तत्व को संतुलित करना आसान होता है, तो आयरन को अभी के लिए छोड़ दीजिए, ऑक्सीजन को पकड़िए। ठीक है, समझ गए ना मैंने ऑक्सीजन को क्यों पकड़ा, क्योंकि ऑक्सीजन एक तो ज्यादा गड़बड़ है, एक जगह 1 है और 4 है, मतलब आयरन 1 है 3 है, ऑक्सीजन 1 है 4 है, तो ऑक्सीजन ज्यादा गड़बड़ है, ऑक्सीजन को पहले संतुलित करेंगे। और इसलिए भी ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ गड़बड़ है, ऑक्सीजन हम आपको दिख रहा है यहाँ आयरन के साथ है और यहाँ हाइड्रोजन के साथ है, मतलब ये किसी ना किसी के साथ लिखा हुआ है। तो जो अकेला होता है उसको छोड़ दो, वो आसान होगा संतुलित करना, जो किसी के साथ है उसको पहले संतुलित करने की कोशिश करो, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, मैंने बताया क्या करेंगे, गुणा करेंगे, कितने की 4 की, 1 को 4 बनाने के लिए 4 की गुणा करनी होगी, कहाँ अभिकारक में, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पर 4 की गुणा कर दो, तो समीकरण क्या बन जाएगी, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2O, सॉरी प्लस H2। ठीक है, और 2 की गुणा कहाँ करी थी मैं, 4 की गुणा कहाँ करी थी, यहाँ ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में, आ रही होगी बात समझ में, ठीक है, तो यहाँ पर 4 आ गया। अब देखिए ध्यान से, अब दोबारा से हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से ये टेबल बनाएंगे, मैं इसको एडिट कर रहा हूँ लेकिन आप जो है दोबारा से इसको बिल्ड करेंगे। दोबारा से इसको बिल्ड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आयरन देखो यहाँ पर, आयरन यहाँ पर मुझे अकेला दिख रहा है 1, हाइड्रोजन कितने हो गए, अब हाइड्रोजन हो गए 4 × 2 = 8, ऑक्सीजन कितना हो गया 4 × 1 = 4, बात समझ में आई, ये 4 मैंने बताया था हाइड्रोजन के साथ भी है ऑक्सीजन के साथ भी है, तो ऑक्सीजन अकेला है तो 4 × 1 = 4 हो गया, हाइड्रोजन द्विपरमाणु था यानी 2 परमाणु थे तो 4 × 2 = 8। ठीक है, सिंपल है, कैलकुलेशन करनी है, गुणा भाग करना है आपको। ठीक है, तो ये 4 × 2 = 8 हो गया, 4 × 1 = 4 हो गया। अब उत्पाद में देखो, उत्पाद में मुझे 3 आयरन दिख रहे हैं, ऑक्सीजन मुझे 4 दिख रहे हैं और हाइड्रोजन मुझे 2 दिख रहे हैं। ठीक है, अब क्या करूंगा, अब मैं यहां पर देखूंगा कि हाइड्रोजन जो है, अब मैं दोनों को एक साथ बैलेंस कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन कहां पर गड़बड़ है, हाइड्रोजन उत्पाद में गड़बड़ है, यहां 2 है, और आयरन कहां कम है, यहां 1 है। ठीक है, और दोनों जगह अकेले हैं, देखो उत्पाद में हाइड्रोजन अकेला है और अभिकारक में आयरन अकेला है, तो इन दोनों को एक साथ बैलेंस कर दीजिए, कैसे, ये मैं ट्रिक बता रहा हूं, अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी तो आप इस बात को समझ पाएंगे। आपको क्या करना है, हाइड्रोजन को 2 को 8 बनाने के लिए कितने से गुणा करनी है, 4 से, तो अब उत्पाद में हाइड्रोजन के साथ 4 से गुणा कर दो, और आयरन को 1 को 3 बनाने के लिए कितने से गुणा करनी है, 3 से, तो आयरन को 3 से गुणा कर दो, दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो आयरन को 3 से गुणा करने और हाइड्रोजन को 4 से गुणा करने के बाद समीकरण कुछ ऐसी दिखेगी, 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। आगे बात समझ में, तो हमने ये काम कर दिया और इस प्रकार से हमारे पास अब समीकरण आ गए। अब दोबारा से टेस्टिंग, दोबारा से चेक करेंगे, तो हम दोबारा से टेबल बनाएंगे, मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, आप इसको दोबारा से ड्रॉ करेंगे। आयरन कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, यहाँ पर कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, ओके। हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, 4 × 2 = 8, यहाँ पर कितना दिख रहा है, 4 × 2 = 8, ओके, उत्पाद में भी बराबर है। ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, 4 × 1 = 4, ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, 4, यानी कि हमारे पास जो सारे तत्व हैं वो बैलेंस है, उनके परमाणु दोनों तरफ बराबर हैं, अतः ये समीकरण क्या हो चुकी है, अब संतुलित हो चुकी है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इसके नीचे लिख देंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या फिर संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और संतुलित रासायनिक समीकरण। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इनको मैं आप सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि हम लोग 4-5 एग्जाम्पल सॉल्व कर चुके हैं और मैं आपको एक पैटर्न बता चुका हूँ कि कौन सा पैटर्न आपको फॉलो करना है और गुणा भाग का जो काम है वो करना है और जोड़ते रहना है। तो सिंपल है, आई थिंक 3-4 जो एग्जाम्पल हमने बताए हैं उनको अगर आप दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे तो समझ पाएंगे और खुद से कर पाएंगे। ठीक है, तो जो आपकी बुक है NCERT की जो बुक है उसको आप
उसको आप चेक करें, आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। अदरवाइज मैं भी आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिख करके दे रहा हूँ, इनको आप फटाफट से नोट डाउन कर दीजिए और ये आपका क्वेश्चन रहेंगे होमवर्क के लिए, ठीक है, होमवर्क के लिए। तो एच डब्ल्यू है आपका, पहली इक्वेशन ये हाइड्रोजन और क्लोरीन की क्रिया, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है HCl, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड वाला नहीं हम लोग, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं सोडियम, सोडियम प्लस जल सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है प्लस हाइड्रोजन। तो ये दो क्वेश्चन है आपके लिए, दो क्वेश्चन मैं घर के लिए दे रहा हूं आपको, आई होप आप इनको कर पाएंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये था हमारा अब तक का पोर्शन जिसमें कि हमने दो मुख्य चीजें सीखी, ठीक है, दो मुख्य चीजें। नंबर वन हमने ये देखा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, नंबर टू हमने देखा रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है। अब आगे हम लोग जो बढ़ने वाले हैं वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है टॉपिक, वो ये है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इसको हम कर लेते हैं अंडरलाइन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखो बच्चों, जो हमारे पास अभिक्रियाएं हैं वो हम लोग उनको निम्न प्रकार की बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो उनमें से कुछ प्रकार मैं यहां पर लिख रहा हूं, पहले उनके प्रकार लिख रहा हूं और फिर वन बाय वन सबको डिस्कस हम करते चलेंगे। नंबर वन है हमारे पास संयोजन अभिक्रिया, इनको मैं इंग्लिश में भी लिखूंगा, डोंट वरी। नंबर टू है हमारे पास वियोजन अभिक्रिया, नंबर टू है हमारे पास वियोजन अभिक्रिया, नंबर थ्री है विस्थापन अभिक्रिया, नंबर फोर है द्विविस्थापन अभिक्रिया, नंबर फाइव है उपचयन अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। इनको हम लोग बोलते हैं, इनको हम लोग नाम देते हैं एडिशन एडिशन रिएक्शन, ठीक है। नंबर टू इज डीकंपोजिशन रिएक्शन, नंबर टू इज डीकंपोजिशन रिएक्शन, नंबर थ्री डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नंबर फोर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नंबर
रिएक्शन, ठीक है, और नंबर 5 ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इनका एक और नाम हम लोग देते हैं, और रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया भी इन्हें बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शंस। तो ये कुछ 5-6 प्रकार के हमारे पास अभिक्रिया हैं, इनके बीच में भी हमको प्रकार मिलेंगे, इनके बीच में भी हमको क्या मिलेंगे, प्रकार मिलेंगे, तो उनको भी हमको डिस्कस करते जाना है, जैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास अवक्षेपण अभिक्रिया होती है, ठीक है, तो ये सभी क्यों है, जो है हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हैं, जिनमें हम लोग 1 by 1 सबको डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। तो नंबर 1 हेडिंग डालते हैं अभी हम संयोजन अभिक्रिया की, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया को कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एडिशन की जगह कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसको बोलिए, कॉम्बिनेशन लिखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो हेडिंग संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जरा ध्यान दीजिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बच्चों कुछ इस प्रकार की अभिक्रिया होगी, पहले मैं एग्जांपल लिख लेता हूं, और एग्जांपल मैं आपको नया नया एग्जांपल नहीं दूंगा, ठीक है, तो उदाहरण मैं यहां पर लिख लेता हूं, और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि अभिक्रिया ऊपर, इसके ऊपर मैं डेफिनेशन आपको लिख दूं, ठीक है, तो एग्जांपल देखो, इसका उदाहरण देखो कि जब हमने अभी रिएक्शन पढ़ी थी कि मैग्नीशियम का जब वायु की उपस्थिति में दहन किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है किसका, संयोजन अभिक्रिया का। इसके अलावा हमने कॉपर का दहन भी देखा था, कॉपर को जलाते थे तो कुछ इसी प्रकार की अभिक्रिया होती थी, कॉपर ऑक्साइड बनता था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप कुछ एक पैटर्न देख पा रहे होंगे, एक चीज फॉलो कर पा रहे होंगे कि दो चीजें मिल रही हैं और एक चीज बन रही है, दो चीजें मिल करके एक चीज बना रही है। जब कभी ऐसा होगा कि पदार्थ, दो पदार्थ जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करें, दो पदार्थ जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे, यानी कि दो पदार्थों का संयोग होगा और एक नया पदार्थ बनेगा तो हम उसे संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं डेफिनेशन इसकी, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, सब्सटेंसेस की जगह आप रिएक्टेंट्स लिख सकते हो, सब्सटेंसेस की जगह रिएक्टेंट्स लिख सकते हो, ठीक है। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट देन द रिएक्शन इज कॉल्ड, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक
जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं या एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, फुल स्टॉप। ठीक है ना। तो संयोजन अभिक्रिया बहुत आसान हो गई। संयोजन देखिए, उदाहरण में जो आपको दोनों लिखे, ये दोनों हम लोग अभी पीछे रिएक्शन पढ़ चुके हैं, तो आप लोग इस बात की टेंशन मत लीजिएगा, इस बात से घबराइएगा बिल्कुल मत कि ये रिएक्शन क्या है। हम लोग पहली बार रिएक्शन लिख रहे हैं और हमको तो रिएक्शन याद करने में बहुत मुश्किल होती है। देखो, याद आपको करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यही रिएक्शन मैंने अभी आपको पीछे भी लिखवाई थी। ठीक है, कल के आपने पिछली क्लासेस में भी लिखी थी, आज की क्लास में भी हम इसको लिख रहे हैं और आगे आने वाले क्लासेस में भी अभिक्रियाएं यूज होंगी। तो कुछ ही अभिक्रियाएं हैं, आई थिंक आपके पास अराउंड 20-25 रिएक्शंस होंगी, 20-25 अभिक्रियाएं होंगी, और वही अभिक्रियाएं बार बार आपके काम आती रहेंगी। तो 20-25 अभिक्रियाएं कोई बहुत ज्यादा अभिक्रिया नहीं है 10th की क्लास में आपके पास, इनको आप याद कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, कोई ज्यादा इसमें घबराने वाली बात नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है, हर एक अभिक्रिया को मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपको याद करने का खुद से मन करेगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो सीखी संयोजन अभिक्रिया के डेफिनेशन में दोबारा से बता देता हूँ। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं और एक उत्पाद बनता है, सिर्फ वन टू थे यहाँ पर और यहाँ पर सिर्फ वन उत्पाद बना, तो इसको हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। इसके विपरीत होती है दूसरे नंबर की अभिक्रिया, जो कि है वियोजन अभिक्रिया। तो इसकी हेडिंग डाल लेते हैं वियोजन अभिक्रिया की, नंबर टू की हेडिंग डाल लेते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया और डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया और डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे अपनी अगली क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज जो बातें बताई गई वो समझ में आएंगी। एक बार इनको क्विक रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखा और उसके बाद हम लोग अभिक्रियाओं के प्रकार के ऊपर चले गए। अभिक्रियाओं के प्रकार में मैंने कुछ प्रकार आपको लिखवाए, जिनमें से थे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया। इनके नाम सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन या फिर रेडॉक्स रिएक्शन। इसके बीच में हम लोग काफी नई नई प्रकार की अभिक्रियाएं भी पढ़ेंगे, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जैसे ऊष्मा छेपी, ऊष्मा शोषी, एक्जोथर्मिक, एंडोथर्मिक इन्हें कहते हैं। इसके अलावा प्रिसिपिटेशन यानी अवक्षेपण अभिक्रिया, तो ये सभी प्रकार की अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, मजा आया होगा। अगली क्लास में मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।